हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बॉल्टस किचन। आप सबको स्वागत है बॉल्टस किचन में। मैं आज आपके साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, फिर उसको अलग बनाने की कोशिश की हूँ। चलिए आप उसको बनाइए, एक बार खाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन को दबाइए। चलिए आइए देखते हैं रेसिपी को कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन में हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट मैंने ले लिया है। यहाँ पर हाफ चम्मच सौंफ, थोड़े से सूखे करी पत्ता, आपके पास हरे वाले हो तो आप हरे यूज़ करें, और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कलर आने के लिए। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं या तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऑनियन का पेस्ट डालेंगे। दो अंडे डाल देंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब डाल देंगे इसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आप देख के थोड़ा मिक्स करें अपने हिसाब से। जितना चाहिए होगा आप पूरा एकदम थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल के सूखा सूखा मिक्स कर लें। इस तरह का आप एक बार बनाइए, ये मेरी टेक्निक है। ऑनियन पेस्ट डाल के, सौंफ डाल के ये मैंने बनाया है। आप एक बार मेरे हिसाब से बना के चिकन पकौड़ा खाइए, फिर आप दूसरे टाइप का भूल जाएंगे। इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बनते हैं। मैंने इसको मिक्स कर लिया हूँ। अब हम इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं या तो बाहर ढक के छोड़ दें। फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे ज़्यादा लिक्विड लिक्विड है तो और थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें। तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे एकदम ब्राउन होने, डार्क ब्राउन होने तक। एक साइड हमारा हो चुके हैं, थोड़ा हम पलट देते हैं इसे।
ब्राउन हो गए, फ्राई हो गए अच्छी तरह से, इसे आप निकाल ले प्लेट में। इस तरह से निकाल, मैंने इसे निकाल लिए प्लेट में। इस तरह से आप सॉस के साथ खाइए और कमेंट करिए मुझे कैसे लगे आपको चिकन पकौड़ा, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।